अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको। पबजी मोबाइल पाकिस्तान सुपर लीग, जहां पर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टीम्स आपको खेलती हुई नज़र ज़रूर से दिखाई दी जाने वाली हैं। पहला मैच तो हम लोग विटनेस नहीं कर सके थे, लेकिन दूसरा मैच बढ़ेंगे अपने मुकाबले की तरफ, जहां पर टीम्स आगाज़ लेकर जा चुकी हैं। फाइट्स के सिलसिले वो भी स्टार्ट होंगे। देखना ये कि आज के दिन के मुकाबले वो किस तरह से, किस पेस से आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे। हम लोग पहला मैच जो है उसके बाद दूसरे मैच में मीरामार के अंदर टीम्स अग्रेसिव स्टांस के अंदर जाते हुए नज़र आएंगे। और जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि अब दो ही दिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बाद जितने भी टीम्स हैं वो अपना एक मुकाबला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उनके 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स, जो 12 पॉइंट जो टोटल मैचेज हैं उनके, वो ख़त्म होने के बाद टीम्स हम लोगों को फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए, सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हुए ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स सी आज की फ़ाइट किस तरह से जाती है टीम्स के लेकर। कोशिश रहेगी हर टीम की तरफ से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालते हुए अपने आप को एटलीस्ट मज़ीद आगे भी लेके जाया ज़रूर से जा सके। लेकिन यहाँ पर हमारे बिल्कुल सामने टीम्स के खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो टीम नेगेटिव के प्लेयर्स वो हमारे सामने अभी के लिए रहने ज़रूर से वाले, और उनकी तरफ से एक एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर कर लिया जाता है, और वहीं पर अपने कुछ खिलाड़ी उनको लूज़ भी करा दिया जाता है। तो लेट्स सी इस सारी फाइट के बीच में, इस सारे मंजर के बीच में क्या जाते जाते कोई प्लेसमेंट पॉइंट तो अभी के लिए बहुत अर्ली होगा गेस कर पाना, लेकिन वहीं पर क्या जाते जाते हम लोगों को कुछ किल्स इनकी तरफ से निकालते हुए दिखाई ज़रूर से दिए जाने, वो एक बड़ा सवाल रहेगा ज़रूर से अभी के लिए। कोशिश की जा रही है वहीं पर टीम 8 के प्लेयर्स, टीम SUS के प्लेयर्स उनके बिल्कुल सामने रहने वाले हैं अभी के लिए। फाइट का इनिशिएशन उनकी तरफ से लिया जाता है, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन अभी के लिए कोई भी जो एक डैमेज है वो अगले प्लेयर्स के ऊपर पहुंचा नहीं सके। लेकिन देखना ये है कि कितनी देर तक हम लोगों को काम एंड कंपोज खेलते हुए नज़र आएंगे। उनकी तरफ से मज़ीद एग्रेशन जो है बनाया जा सकता है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही डैमेज, एक ही प्लेयर का एलिमिनेशन ये सिक्योर कर ज़रूर से कर जाते हैं, लेकिन कोशिश उनकी रहने ज़रूर से वाली है। दूसरी तरफ अभी के लिए हमारे पास एक और टीम, हालात बड़े गंभीर रहने वाले हैं। ओके ख़वातीन हज़रात, टीम नेगेटिव के प्लेयर्स अभी के लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, बढ़ेंगे आगे। लेकिन वहीं पर टीम 17 के प्लेयर्स, टीम RD रेड डेथ के प्लेयर्स हमारे सामने मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से कोशिश की ज़रूर से जा सकते कि अगले प्लेयर्स उनको एलिमिनेट कर दिया जा सके, लेकिन उनकी तरफ से एक काम एंड कंपोज्ड गेम खेला जा रहा है अभी के लिए। कोशिश की जाएगी कि खिलाड़ी उनको नॉकडाउन किया जा सके, लेकिन देखना ये कि क्या इसमें कामयाब भी हो पाते हैं या नहीं, वो एक बड़ा सवाल अभी के लिए ज़रूर से रहने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो एक और टीम हमारे सामने मौजूद रहेगी, टीम इम्पैक्ट रहने वाली है ये, और जहाँ पर उनकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन अभी के लिए आगाज़ लेके जाया जा सकता है। कोई भी किल पॉइंट उनकी तरफ से सिक्योर नहीं किया जाता, लेकिन वहीं पर कोशिश कर रहे हैं ज़रूर से के एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर कर लिया जा सके। स्पॉटिंग ऑन पॉइंट रहेगी, कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद खिलाड़ियों को स्पॉट भी किया जा सके, लेकिन अगले प्लेयर्स उनकी लोकेशन को अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाहेंगे। वेट किया जा रहा है उनकी तरफ से, सामने प्लेयर्स उनकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो सिक्योरिंग, वो जो सामने उनकी तरफ से एक आता हुआ स्प्रे काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया जाता है इम्पैक्ट के स्ट्राइकर को, लेकिन स्टिल वो हम लोगों को होल्ड ही करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी मज़ीद अग्रेसिव ओवर एक्सपोज उनकी तरफ से जो नहीं किया जा रहा अपनी बॉडी को, और वहीं पर वेट किया जाएगा। बाकी प्लेयर्स उनको भी हम लोग देखना ज़रूर से चाहेंगे कि किस तरह से उनकी तरफ से जो एक स्ट्रेटजी है, इनकी टीम की तरफ से जो स्ट्रेटजी है वो बिल्डअप होगी, किस तरह से अगले प्लेयर्स उनको अप्रोच किया जाएगा, और वहाँ पर एलिमिनेशन अगली टीम का, अगले स्क्वाड का वो उनके सामने से ज़रूर से निकल कर आ सकता है। बैक साइड से एक और टीम उनके आसपास रैप अराउंड करने के लिए आई ज़रूर से है, और वहाँ पर टीम R3G के प्लेयर्स की तरफ से कुछ शॉट्स लैंड कर दिए जाते हैं, और टीम R3G
R9 के 9 की आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह से ट्रेस पास कर भी लिया जाता है। लेकिन फराज उनके बिल्कुल नज़दीक मोलोटोव फेंकते हुए काफ़ी ज़्यादा लो एच पी पे नौकी के लिए फ़ायदा मंद ज़रूर से साबित हो सकता है, लेकिन नौकी उनको पहले अपने आप को यहाँ पर हील ज़रूर से करना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है कि नौकी हील करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश करें। अभी के लिए टीम आर3 जी अपना एबलर गवा देंगे, गोज डाउन रहने वाले हैं रोशान और नौकी, इनके कंधों पर पूरी तरह से जिम्मेदारी, लेकिन वो ट्रेस पास करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। गोज को रिवाइवल देना चाहेंगे, नौकी इन्फॉर्मेशन गति करने के लिए यहाँ पर बैठे ज़रूर से हैं, लेकिन टीम SUS के प्लेयर्स वो एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर रहमान उनको स्पॉट किया जाता है और इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश वो निकल कर आता हुआ, लेकिन बैक साइड से बेहतरीन स्प्रे आता हुआ नौकी लो HP पर हो जाते हैं। गोस्ट लो HP पर उनको नॉकडाउन कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पर नौकी फॉल बैक करने में कामयाब होते हुए अभी के लिए मौजूद जरूर से रहेंगे, लेकिन वहीं पर नौकी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। गोस्ट को फिर से रिवाइवल दिया जाता है, लेकिन गोस्ट नौकी जो है वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहीं पर लो HP का खुमियाजा उनको भुगतना ज़रूर से पड़ेगा। लेकिन अब टीम RTG के प्लेयर थोड़ा सा प्रेशर भी बन सकता है, सामने प्लेयर्स उनको रोका जा रहा है कि बिल्कुल भी अग्रेसिव ना किया जाए, लेकिन वहीं पर रोशान उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ टीम R3G ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, दो प्लेयर्स तीन प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और गोस्ट के कंधों पे पूरी तरह से जिम्मेदारी, लेकिन गोस्ट काम कर जाते हैं और सामने टीम SUS जो कि आगे बढ़ रही ही थी उनको नॉक करने के बाद डायरेक्ट एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। लेकिन बैक साइड पर टीम SR वो हमारे सामने मौजूद ज़रूर से रहने वाली है अभी के लिए, उनकी तरफ से कुछ नॉक्स निकालने की कोशिश, तीन नॉक्स निकल कर अभी के लिए आ चुके हैं और मज़ीद कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मज़ीद फाइट्स उनको कन्वर्ट किया जाए अपने किल नंबर्स में, लेकिन वहाँ पर देखना है कि किस तरह से आगाज़ लेकर जाएंगे। लेकिन बैक साइड पर टीम RGS रेजिंग बुल्स के प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, जहाँ पर वोल्ट्रिक्स रहेंगे, फोनिक्स रहेंगे, शेरी रहेंगे और रानजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि हम लोग वहाँ पर बढ़ते हैं उनकी तरफ से जो एलिमिनेशन है वो निकल कर आ भी जाता है और इसी असना में प्लेयर्स के ऊपर कैजुअल्टीज़ निकाल दी जाती है। कोशिश करेंगे ये दो प्लेयर्स मज़ीद अगले प्लेयर्स उनको डैमेज दिया जाए, उनके बिल्कुल सामने टीम 21 के प्लेयर्स आगे रश करते हुए दिखाई हम लोगों को ज़रूर से दिखाई दिए जा रहे हैं, लेकिन टीम VG वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमिटेड दिखाई देगी। लेकिन टीम 25 के प्लेयर्स, टीम 21 के प्लेयर्स टीम जामबाज ई-स्पोर्ट्स ये रहने वाली है, जहाँ पर उनके बिल्कुल सामने टीम 7 बैंडिट रहने वाले हैं, ईमान के सामने मौजूद रहेंगी और नेट काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से मॉस की तरफ से दिया जाता है नेट्स की जद में, लेकिन वहीं पर बैंडिट अपने 7 बैंडिट के ईमान वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गन्स का जलवा यहाँ पे ज़रूर से दिखाया जाए, जलवा घर हो, लेकिन मॉस वो आगे बढ़ेंगे एंगल बनाने की कोशिश, मोटू भी बैक साइड पर मौजूद, लेकिन 1v1 की ये फाइट, फ्राइगर बैक साइड पर मौजूद रहने वाले हैं, कोशिश की जा रही है मॉस की तरफ से कि वो नीचे एंगल से वहाँ पर नॉकडाउन निकाला जाए, लेकिन ईमान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने के बाद अब टीम जहाँबाज के प्लेयर्स वो आगे बढ़ते हुए एलिमिनेशन निकाल जरूर से सकते हैं। लेकिन मैं मोटू को देखना चाहूँगा, मोटू के पास जो एंगल है वो 1v1 की फाइट में आ भी सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो अकेले 1v1 में जाते हैं फैजी आ जाते हैं, डैमेज दिया जाता है रिटेलिएशन में, खुद भी काफ़ी डैमेज कहेंगे, लेकिन खुद नॉक होने के बाद मोटू उनको एलिमिनेट करने में ये टीम कामयाब भी हो जाती है। और अब स्मोस के पास बिछाते हुए टीम जहाँबाज ई-स्पोर्ट्स टीम VG अपने नॉकशुदा प्लेयर्स उनको रिवाइवल ज़रूर से देना चाहेगी, लेकिन इसी असना में टीम R3G अभी तक सरवाइव करेगी, पिकाडो का वो एरिया रहने वाला है जहाँ पर कोशिश की जा रही कि R3G जो मैक्सिमम किल्स हैं वो यहाँ से ज़रूर से निकाल के जाती हुई अभी के लिए आप लोगों को देखने को मिल जाए। लेकिन जहाँ पर फाइट हो रही थी SUS के प्लेयर्स अभी के लिए आ जाते हैं और टीम RGS के प्लेयर्स के ऊपर, JZ के प्लेयर्स के ऊपर कैजुअल्टीज़ निकाल ज़रूर से सकते हैं। तो लेट्स सी ये जो फाइट रहने वाली है किस तरह से निखर कर आती है, किस तरह से टीम्स आगे दिखाते हुए नज़र आएंगे हम लोगों को और वहीं पर एलिमिनेशंस किस तरह से बढ़ाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अजमीर ही ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास अभी के लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट वो ज़रूर से रहने वाला है और इस एलिमिनेशन पॉइंट को ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं और कोशिश रहेगी कि कन्वर्ट किया भी जाए। लेकिन बैक साइड पे टीम AMG के प्लेयर्स दो ही प्लेयर्स रहेंगे, तीन एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास अभी के लिए आ जाती है, बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर सिचुएशन उनके लिए बनती हुई हम लोगों को देखने को ज़रूर से मिलेगी और कोशिश की जा रही है। लेकिन बैक साइड पर दूसरी तरफ टीम ओनली के प्लेयर्स की बात करें, स्पॉट करते हुए वो जो स्प्रेज है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, बगी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, अगर बुलेट्स कनेक्ट होते हैं तो नॉक निकल कर ऑब्वियसली आ सकता है, लेकिन वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा रहने वाला है कि प्लेयर्स की तरफ से स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन बैक साइड से आप इस तरह करोगे वोल्ट्रेक्स तो थर्ड पार्टी तो होगी, मेरा मार्का ये मैदान रहने वाला है और आपको नहीं पता कि कब आप थर्ड पार्टी के शिकार बन जाओ। और इसी के साथ साथ
वहाँ पर उनको एलिमिनेट ज़रूर से कर दिया जाता है। लेकिन टीम एएमसी की बात की जाए तो वो भी अब रोटेशन करते हुए हम लोगों को ज़रूर से देखने को मिलेंगे। फाइट को डिसंगेज किया जाता है, लोकेशन चेंज की जाएगी, दोनों प्लेयर्स पुरउम्मीद नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी फंसती है, लेकिन फिर पुरउम्मीद नज़र आते हुए क्रिप्टिस हम लोगों को अपना सफ़र वो स्टार्ट करते हुए देखने को ज़रूर से मिल जाते हैं। और कोशिश की जाएगी उनको कि एक ऐसे स्पॉट पर जाया जाए जहाँ पर ईज़िली थोड़ी देर के लिए सर्वाइवल जो है वो इनका ईज़िली पॉसिबल बन सकता है। और आई गेस ये सबसे टॉप पर ही जाना चाहेंगे। एंटी ग्रेविटल जो व्हीकल का चीट है वो ऑन कर दिया जाएगा और अब गाड़ी हर ही ग्रेविटी के अगेंस्ट, हर ऑड के अगेंस्ट ऊपर चढ़ती हुई नज़र आएगी और फाइनली एक नए ऊंचाइयों पर ये प्लेयर हम लोगों को जाते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ भी रहती है, काफ़ी कम लोग होते हैं जो जिन लोगों को पता होता है कि व्हीकल इस तरह से जाते हैं, लेकिन लोग जो लोग कंपेटिटिव जाते हैं और उनको ये ट्रैक पता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन जैसे ही आगे जा रहे थे वहाँ पर उनकी व्हीकल उसको बस डाउन कर दिया जाता है और वो नॉकडाउन होते हुए अब थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन बैक साइड पर टीम आरटी के शहीद 4V के रामिस को स्पॉट डाउन करते हुए काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया ज़रूर से जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल को कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन पिंक मैन एक अलग एंगल पर, एक ऑफ एंगल पे मौजूद रहेंगे, नॉकडाउन निकालने की कोशिश उनकी तरफ से अभी के लिए रहती जरूर से है, लेकिन फिर से फॉल बैक करेंगे, एक अलग एंगल बनाते हुए ईगल को स्पॉट कर लिया जाता है। M4 स्कारल उनके हाथ में रहने वाली है, पॉइजन मौजूद रहेंगे, पॉइजन को डाउन कर दिया जाता है, अभी के लिए ईगल मौजूद रहेंगे काफी लो HP पे सर्वाइव करते हुए, लेकिन पिंक मैन के स्प्रेज से बचना नहीं पड़ेगा, बच नहीं सकते आप, और वहीं पर ही गेट्स टेकन डाउन। और उसी के साथ साथ टीम 4Virtus ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, 4Virtus तो नहीं रह गए लेकिन टीम 4V के प्लेयर्स ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। और रामीज अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल बचते हुए कोशिश की जाएगी कि बाकी दो प्लेयर्स उनको भी डाउन किया जाए। 3v3 अपनी टीम के लिए एक अलग एंगल पे मौजूद रहने वाले, और बजट उनके बिल्कुल नज़दीक मौजूद रहेंगे, तो बजट उनको एक काम एंड कम्पोज ओवर एक्सपोज गेम स्टाइल नहीं दिखाना, अपने अपने प्लेयर्स उनका इंतज़ार करना है कि जैसे ही वो प्लेयर्स आएंगे आगे आपकी तरफ से नॉकडाउन निकाला जाएगा। और इसी नॉकडाउन के साथ आपकी टीम एक और मज़ीद का इन्फॉर्मेशन करते हुए टीम 4V के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, और वही चीज़ हो जाती है, 4V के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड टीम RD अपने 5वां एलिमिनेशन पॉइंट वो भी सिक्योर करने के बाद लूट में थोड़ी सी मसरूफ़ ज़रूर से आपको दिखाई दी जाएगी, और उसके बाद लूट को कंटिन्यू करने के बाद ये टीम हम लोगों को फिर से मज़ीद अगली फाइट के अंदर इंडल्ज होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन ख़वातीन हज़रात थोड़ी सी फाइट पे स्लो पेस पे जाएंगी, लेकिन टीम टफ के प्लेयर्स वो कहते हैं ना, हम लोग फिर से मज़ीद फाइट के अंदर जाएंगे। फाइट निकाली जाती है अगेंस्ट टीम CN के प्लेयर्स, करेक्ट माइंड CM के प्लेयर्स करेक्ट माइंड है, लेकिन ये कॉस्मो नोवा आई गेस रहने वाली है जहाँ पर टीम CN के प्लेयर्स के अगेंस्ट वहाँ पर फाइट ली जाएगी। और टीम टफ 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स सिक्योर करने में अभी के लिए कामयाब हो जाते हैं, एक्सपीरियंस लाइनअप रहेगा और उस एक्सपीरियंस का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया भी जा रहा है अभी के लिए। और स्टिल चारों के चारों प्लेयर्स, एक अच्छी बात यह है कि चारों के चारों प्लेयर्स सर्वाइव करते हुए आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बैक साइड पे टीम RD के प्लेयर्स वो फाइट के अंदर आएंगे। RD के ऊपर कुछ शॉट्स लैंड किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर स्मोक से पाथ बिछाते हुए बजट निकलने की कोशिश करेंगे, जोन के बाहर रहने वाले हैं, जोन का डैमेज टैंक कर रहे हैं, लेकिन बार बार कंटिन्यूसली शॉट उनके ऊपर आ रहे हैं, लो HP पर आएंगे, डैमेज जोन का बढ़ता हुआ, नॉकडाउन हो सकते हैं, लेकिन बूस्टर थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल जो है उनकी ज़रूर से आएगा, लेकिन वहीं पर उनको डाउन होते हुए हम लोगों के सामने देखने को मिल जाता है। लेकिन टफ के टार्स SPZ के जोकर उनको स्पॉट ऑन करते हुए इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर भी दिया जाता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स वो निकलने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है, थोड़ा सा ओपन में रहेंगे। यहाँ पे बीस्ट उनको स्पॉट कर लिया जाता है, लेकिन एक लेज़र स्प्रे देना चाहेंगे, बीस्ट को लो HP पर लेकर आया जाता है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए प्लेयर को कभी के लिए नॉकडाउन निकालना है आपने, ताकि आपकी प्ले टीम थोड़ा सा ईजी हो सके, वो जो किल्स हैं उनको कन्वर्ट कर सके, अपने पॉइंट टेबल में ऊपर आ सके। लेकिन वहीं पर हमज़ा काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं और कुछ स्मोक्स बचाते हुए बीस्ट निकलने की कोशिश, लेकिन टार्ज़न के क्रॉसर्स में आ जाते हैं, लेकिन टार्ज़न अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमज़ा कहने को तो थोड़ा सा नज़दीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा दूर ये प्लेयर हम लोगों को देखने को मिल जाता है, और अभी भी काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, अगले प्लेयर को स्पॉट करना पड़ेगा। और टीम टार्ज़न के टीम टफ के प्लेयर्स अगर तो हर तरफ से आ जाते हैं आगे तो वहाँ पर एलिमिनेशंस कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम RD के प्लेयर्स हमारे सामने फाइट में आते हुए ऑल इन वन एग्रेस किया जा रहा है, सामने टीम एट के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं, जो कि टीम एट के प्लेयर्स की बात करें तो टीम मीटर शॉट यहाँ पर लाइनअप रहने वाला, जहाँ पर एक्वा जॉट है, हमजा है, तौर है, RK खान वो मौजूद ज़रूर से रहेंगे, लेकिन कुछ कैजुअलिटीज़ निकालते हुए अब यहाँ से फॉल बैक करने की कोशिश
की जा सकती है, लेकिन वहीं पर हमजा की बात करें तो हमजा काफी ज्यादा लो एचपी पे मौजूद रहने वाले थे, लेकिन तौर आगे बढ़ेंगे, शामीर को डाउन किया जाता है, विंकी काफी लो एचपी पे रहेंगे, बजट काफी लो एचपी पे रहने वाले थे और उनको डाउन करने के बाद विंकी आखिरी सर्वाइवल बचेंगे। लेकिन जिस स्पीड से टीम रेड डेथ आगे गई थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी थी, उनको पूरी तरह से सफाया उनका कर दिया जाता है और अभी के लिए एक प्लेयर नॉकडाउन दूर से रहने वाला है, लेकिन वहीं पर एलिमिनेशन निकाल दी जाती है टीम रेड डेथ के ऊपर, उनकी डेथ उनकी मृत्यु जो है कंफर्म हो जाती है। लेकिन वहीं पर सस्के मोटू ओपन में जा रहे थे टार्जन स्पॉट करते हुए, काफ़ी शानदार एक बेहतरीन तरीके से नॉक जो है उनकी तरफ से निकाल दिया जाता है। आसपास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गई जरूर से है, टीम सस्के प्लेयर्स मौजूद रहेंगे वहीं पर, मजीद और भी प्लेयर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लेट्स सी यहां पर जो फाइट है वो किस तरह से निकल कर जाती है। ओके गाइस बैक टू मैच, यहाँ पर अभी के लिए बात की जाए तो टीम टफ के प्लेयर्स अभी भी सेम हिल पर ही मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम एट के प्लेयर्स जहाँ पर इनके ऊपर थोड़ी सी कैजुअलिटीज निकाली जाती है, लेकिन टीम टफ अपने दो प्लेयर्स गंवाने के बाद अब टफ के टार्जन और रहमान अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल भी बच जाते हैं और कोशिश की जाए कि 7x के प्लेयर्स के उनको डाउन करें, लेकिन रहमान जो कि वेट कर रहे थे लो एच पी पर उनको नॉक डाउन कर दिया जाता है। ही गेट्स टेकन गेट डाउन एंड टार्जन अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल भी बच जाते हैं और टार्जन कोशिश करेंगे, लेकिन बैक साइड पर टीम 7x के प्लेयर्स वो मजीद फाइट के अंदर इंडल्ज होंगे, उनके बिल्कुल सामने एक क्लस्टराइज सिचुएशन बनती हुई टीम 69 के प्लेयर्स भी वहां पे मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन नजदीक आते हुए प्लेयर जिनके ऊपर नॉक निकाले गए थे एलिमिनेशन कंफर्म भी कर दी जाती है और टीम 7x इस मैच से 14 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वहीं पर टर्फ के टार्जन जहाँ पर मौजूद थे उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होते हुए अब टीम 7x के प्लेयर्स वो आगे बढ़ेंगे और नॉक करना चाहेंगे सकलोते खिलाड़ी को, लेकिन टार्जन एक खरी चट्टान एक मेहनत करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, नेट दागने की कोशिश नाकाम रहने वाली है अभी के लिए, खानी पूरी तरह से सिक्योर रहेंगे, लेकिन कम बैक वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक टार्जन के रहने वाले हैं और टार्जन उनको दो एतराफ़ से दबोच लिया जाता है एंड ही गेट्स टेकन डाउन और इसी के साथ साथ टीम टर्फ जो कि काफ़ी बेहतरीन खेल कर गई थी उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन उससे बेहतरीन टीम 7x खेलती हुई नजर आ रही है, अपनी गन पावर उसको प्रूव करना चाह रहे हैं। 15 एलिमिनेशन पॉइंट सभी के लिए निकाल दिए जाते हैं, सिक्योर हो जाते हैं और 15 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ अभी के लिए ये टीम सबसे ज़्यादा लीड करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी टीम 69 के एक प्लेयर आप लोगों को देखने को ज़रूर से मिल जाएंगे, टीम सस के प्लेयर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर टीम 7x के प्लेयर्स वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नॉकडाउन करना चाह रहे हैं और अब देखना यह कि 69 के उज़ैफ़ा क्या कुछ कमाल कर पाएंगे और लेकिन उसका जवाब ना ही रहने वाला है, प्लेयर्स उनके चारों तरफ से घेर लिया जाएगा उनको और उसी के साथ साथ किल 7x के खाते में तो नहीं आएगा, लेकिन जोन अपनी जो उनकी किल है वो अपनी तरफ लेके जाने में कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ साथ बैक साइड पर टीम SUS के प्लेयर्स भी जलवागर होंगे, कोशिश की जाती है कि 7x के प्लेयर्स उनके ऊपर बुलेट्स दागे जाएँ, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि अभी तक कोई भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती है और इसी के साथ साथ टीम 7x आउट ऑफ जोन के अंदर आने में अपनी जगह बना भी देती है। तो अब देखना ये कि अंदर आती हुई टीम
जो है वो कितनी देर तक कितने जल्दी जो है वो डैमेज देते हुए टीम 7x को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन 7x जिस तरह से अभी के लिए मैप का कंट्रोल ले चुकी है, जोन का कंट्रोल ले चुकी है, गेम का कंट्रोल ले चुकी है, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सभी टीम्स को जो डाइजेस्ट करना, और ये मुश्किल चीज़ बना सकता है सभी टीम्स के लिए। तो लेट्स सी, आपको तीन अगर सब टीमें मिलकर अगर डाउन करती है तो वो चीज़ आपके लिए बुरी चीज़ आ सकती है, लेकिन उनके पास काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो रिज है वो मौजूद रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता रोटेशन टीम 7x के प्लेयर्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग बात की जाए तो टीम 7x के प्लेयर्स अभी के लिए फाइट के अंदर इंडल्ज होंगे, लेकिन वहीं पर उनको रोक दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया जाएगा। रोय अभी के लिए डाउन हो जाता है, लेकिन वहीं पर कमबैक उनके हाथ में एक नेट रहेगा, सामने डैमेज देने की कोशिश की जाती है, लेकिन देखना यह कि क्या इस डैमेज से, इस नेट से कोई प्लेयर नॉकडाउन होगा या नहीं, वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। लेकिन बिल्कुल भी रुका नहीं जाएगा, टीम 7x के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं नेट दागने की कोशिश, लेकिन जब आप फाइट लेते हैं तो आसपास मजीद टीम्स आपके आ सकती हैं टीम 7x, लेकिन वो सारी चीज टीम्स उनको रोकने के लिए अपने दो खिलाड़ी एक दूसरे अतराफ़ में बैठा के जरूर से बैठी है। लेकिन हमज़ा आपको कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, आपके मुखालिफ दो प्लेयर्स आ रहे हैं, दो एक टीम आ रही है, लेकिन हमज़ा के सर पर नेट फटेगा और वहीं पर उस नेट का डैमेज खाते हुए वो एलिमिनेट हो जाते हैं अभी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ टीम 11 के प्लेयर्स वो मौजूद रहने वाले हैं जो कि 7x के ऊपर अपनी एक आज जो है वो छाप जो है वो छोड़ना चाहेंगे, किल्स बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन टीम 7x क्या उनको इजाज़त देगी या नहीं, वो एक बड़ा सवाल रहने वाला है। ओके गाइस, यहाँ पर बात की जाए तो टीम 11 के प्लेयर्स टीम AMZ का स्क्वाड ये ज़रूर से मौजूद रहने वाला है जो कि आगे गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार रफ्तार फॉल बैक करने की कोशिश की जाएगी। इनकी तरफ से टीम SUS के प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, उनके बिल्कुल सामने को टीम SUS टॉप जी रहने वाले हैं, जहाँ पर नेट अभी के लिए भी इसके पास मौजूद रहेगा। स्मोक फेंकने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन वहीं पर बीस्ट उनका एक DBS का फटका पड़ता हुआ एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ वी आर डाउन टू टॉप 3 टीम्स ऑफ द मैच अभी के लिए। टीम AMZ फिर से हमारी स्क्रीन पर आ जाए है, जहां पर कोशिश की थी उनकी तरफ से कि 7x के ऊपर कुछ कैजुअलिटीज निकाली जा सकें, लेकिन नाकाम रहते हैं और फॉल बैक करने की कोशिश इनकी तरफ से अभी के लिए ज़रूर से रहने वाली है। लेकिन वहीं पर टीम 7x के प्लेयर्स वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जा सके, स्पॉट हो चुके हैं अभी के लिए, टीम 11 के प्लेयर्स की तरफ से स्पॉट कर लिया जा चुका है। हाइट का एडवांटेज उठाते हुए गेट कीप किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी बुलेट फायर नहीं किए जाएंगे, अपनी ये लोकेशन अनकॉम्प्रोमाइज ही रखा जाएगा। लेकिन वहीं पर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है वहाँ पर उनको स्पॉट डाउन करते हुए दूसरी टीम की तरफ से थर्ड पार्टी का शिकार वो भी बनाया जा सकता है। लेकिन कम बैक जैसे ही ओपन में जाते हैं वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बस डाउन हो जाती है कि वो बिल्कुल भी जो है बचने का उनको मौका ही नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं पर ड्रैकुला MVP उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया जाएगा, और अब आहिस्ता आहिस्ता टीम 7x के प्लेयर्स वो आगे बढ़ते हुए नॉक्स निकालना चाहेंगे, एक प्लेयर को नॉक कर भी दिया जाता है। लेकिन वहीं पर टीम 7x अब अपने तीन खिलाड़ी के ऊपर आ चुकी है, रोए पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नॉकडाउन निकालना इनकी डेफिनेटली कोशिश रहेगी। नेट्स का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ड्रैकुला वो भी यहाँ पर मौजूद है, मोलोटोव प्रोटेक्टिव देने की कोशिश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मोलोटोव कनेक्ट नहीं कर पाते, और इसी के साथ साथ उनको डाउन कर दिया जाता है। और अब टीम अमीन्स के क्रिप्टिस अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल बच जाता है, लेकिन टीम्स उनको भी नहीं चाहेगी। लेकिन खानी बैक साइड पे टीम SUS के प्लेयर्स को स्पॉट ऑन करते हुए उनको डैमेज देना चाहेंगी, लेकिन अभी तक नाकाम ही रहने वाली है टीम SPZ की बात करें तो अभी तक हाइस्ट नंबर ऑफ टीम प्लेयर्स उनके पास मौजूद रहने वाले हैं। 3v2v1 की जो सिचुएशन है वो ज़रूर से रहेगी, जहाँ पर क्रिप्टस मौजूद रहने वाले हैं टीम SUS के हमज़ा और उनके साथ उनके दूसरे पार्टनर जो है वो आप लोगों को बीस्ट देखने को मिल जाएंगे, और ये डेडली डुओ एक एंड साइड पे सर्कल के आप लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ टीम 7x के प्लेयर्स ये भी दिखाई दे रहे ज़रूर से हैं, लेकिन टीम अमीन्स को मैं देखना चाहता हूँ, क्रिप्टस को मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से एक परफेक्ट बैक स्टैब लूट करते हुए एलिमिनेट करना चाहेंगे। लेकिन अभी के लिए जोन के बाहर मौजूद रहेंगे, रोटेशन करके उनको अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर उनके रोटेशन पकड़ी जाती है, उनको स्पॉट कर लिया जाता है और डैमेज काफ़ी ज़्यादा देने के बाद क्रिप्टस को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड खवातीन हजरात वी आर डाउन टू टॉप टू टीम्स ऑफ द मैच, जहां पर 5 प्लेयर्स अलाइव हैं, 3v2 की ये सिचुएशन, क्या टीम SUS के प्लेयर्स वो कर पाएंगे जो टीम 7x के प्लेयर्स नहीं कर सके अभी तक, एक चिकन डिनर निकालना चाहेंगी। किल्स में देखा जाए तो टीम 7x के प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो उनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, उनके पास मोमेंटम रहेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए काफ़ी ज़्यादा नॉक खाने के ऊपर देने की कोशिश की जरूर से जाती है। लेकिन खानी अभी के लिए काम एंड कंपोज्ड वो गेम स्टाइल दिखाएंगे, नेट दागने की कोशिश, लेकिन नेट वो बहुत ज्यादा ओवरकुक्ड रहने वाला था, जिसकी बिना पर अभी तक के लिए नॉक निकाला नहीं जाता। लेकिन खानी तैयार है, बूस्टर लगाए जाते हैं,
गन्स उनके पास मौजूद रहने वाली हैं, कुछ स्मोक से प्रोटेक्टिव जो स्मोक से मोलोटोव जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। लेकिन हमज़ा वाज़ सो क्लोज़, लेकिन एक और मोलोटोव आती है हमज़ा को लेकर जाती है, और हमज़ा काफ़ी ज़्यादा कम एच पी के ऊपर आ जाता है, लेकिन उनके बिल्कुल आगे एक और मोलोटोव है, हल्का सा आगे जाते तो वहाँ पर नॉकडाउन उनके ऊपर निकाला जा सकता था, लेकिन अभी के लिए वापस से हील रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। स्मोक्स का बेहतरीन इस्तेमाल दोनों ही तरफ से अभी के लिए देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम स्मोक से बादल बिछाती हुई अभी के लिए हम लोगों को देखने को मिल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपने एंगल्स उनको ब्लॉक कर दिया जाए। खान नहीं अभी के लिए फिल वक्त वहीं पर मौजूद रहेंगे, उसी एंगल पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बाकी प्लेयर्स उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ते हुए नॉक निकालना चाहेंगे। मेथी उनके पास काफ़ी एक शानदार एंगल है, हमजा को स्पॉट कर भी लिया जाता है, लेकिन वेट किया जाएगा हमजा की तरफ से कि किस तरह से क्या वो मेथी को स्पॉट कर बैठे, और रही गैसोडो ने स्पॉट किया भी है जिस तरह से ये प्लेयर बैठा हुआ देख रहा है, डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन चीज़ जाती है। लेकिन हेयर वी गो, फाइनली स्पॉट किया जाएगा, डैमेज देने की कोशिश, काफ़ी डैमेज दिया भी जाता है, लेकिन दोनों ही टीम्स उनकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से ये टीम खेल रही है, कोई भी टीम ओवर एग्रेस नहीं कर रही। लेकिन हेयर वी गो, अब एक मौका आ जाता है जहाँ पर टीम एस यू एस के प्लेयर्स उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जोन के अंदर जाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है वहीं पर एलिमिनेशन उनका लिख दिया जाता है, और इसी के साथ साथ निकल कर आता हुआ आज के दिन का ये चिकन डिनर टीम 7X अपने पलड़े में लेके चली जाती है। क्या ही शानदार इन्होंने खेला अभी के लिए ज़रूर से, और किल्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 21 एलिमिनेशन पॉइंट एक मैच से निकालने में ये टीम कामयाब ज़रूर से होगी, और आज का पहला मैच टीम 7X, कल से जितने भी मैचेस में देख रहा हूँ टीम 7X को वहाँ पर चिकन डिनर ही निकाला गया, चाहे PSL हो, चाहे लैन इवेंट हो, या चाहे डेफिनेटली PMSL में भी हमने इनको देखा था, लेकिन टीम 7X क्या ही बेहतरीन तरीके से खेलती हुई नजर आई थी। लेकिन ख्वातीन नजरात अगले मैच वहाँ पे जाने से पहले हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको। पबजी मोबाइल पाकिस्तान सुपर लीग, आज का दिन कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दो टीम्स आपस में भिड़ती हुई आप लोगों को देखने को ज़रूर से मिल जाएंगी। लेकिन खवातीन हज़रात, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे आपको, बढ़ेंगे आज के अपने दूसरे मुकाबले की तरफ, जहाँ पर टीम्स खेल रही हैं अभी के लिए। सैनहो का मैदान प्लेन पाथ टॉक से कैंप अल्फा की जानब बढ़ चुके हैं, और ये मैटर ही नहीं करता खवातीन हज़रात, ये जिस तरह से टीम्स खेलती हैं, जिस तरह से छोटा मैप रहता है, तो कहीं भी प्लेन पाथ बन जाए, टीम इजीली अपनी जगह पे, अपनी मंजिल मकसूद वहाँ पर पहुँच ही जाती हैं। अभी देखना ये कि फाइट्स कौन से रीजन पे होगी। टीम नेगेटिव वो बांताई की साइड पे बढ़ती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। टीम SUS जहाँ पे जा रही है वो भी वेकेंट ही रहेगा, कोई और टीम आगे सभी के लिए वहाँ पे जाती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन टाटमो खाओ, क्या वहाँ पर कोई टीम जाना पसंद करेगी? पैराडाइज रिजोर्ट उसके ऊपर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक जो ख़तरा है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन सेंटर ऑफ अटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा पैराडाइज बूट कैंप का जो एक एरिया है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को अभी के लिए ज़रूर से मिल जाएगा। बढ़ेंगे अपने बूट कैंप की तरफ, जहाँ पर टीम्स तैयार बैठी हैं एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे की किल्स लेने के लिए, जहाँ पर टीम VG के प्लेयर्स जाएंगे। टीम RD के प्लेयर्स किल फीड के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। टीम 69 के प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। टीम क्रॉनिकल्स के प्लेयर्स के ऊपर कुछ नॉक निकाले जाते हैं। डी मोटिवेट सर जो कह गए टीम टफ की तरफ से खेलते हुए ज़रूर से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। टीम SUS की बात करें तो टीम SUS अपने बैक पैक में दो एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब भी हो जाते हैं। बीस्ट सामने मौजूद रहेंगे, टफ के टार्जन वो सामने मौजूद रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कुछ नॉक डाउन निकालने की कोशिश रहने वाली अभी के लिए ज़रूर से। लेकिन वहीं पर हमजा अपने 686 का जलवा दिखाने के लिए ज़रूर से आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर टार्जन से बच के रहना पड़ेगा। DBS का बोल बाला करते हुए प्लेयर हम लोगों को आपके ऊपर एलिमिनेशन निकाल भी सकता है, लेकिन S686 उसका नुकसान एक यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ दो बुलेट्स आपने कनेक्ट करनी है, और अगर वो चूक जाती हैं तो वहाँ पर एलिमिनेशन आपके ऊपर कन्फर्म लिख दिया जाता है। लेकिन डिमोटिवेट सर वो फंस चुके हैं, सामने 61 के शैजिल वो बढ़ेंगे आगे, नॉक डाउन किया जाता है आपको, और टार्जन अपनी टीम के लिए आखिर में बच जाते हैं। और था वो इंतज़ार, वो अब घड़ियाँ आ चुकी हैं। टीम 7X वो यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला मैच करने नर ये मैच एक बेहतरीन आगाज़ अभी तक के लिए, नंबर बचाए ज़रूर से उनके लिए जाते हैं, लेकिन देखना ये है कि इस असना में किस तरह से जो नंबर्स हैं ये टीम के प्लेयर्स हम लोगों को बचाते हुए नजर आएंगे। फायर से आगाज़ लेके जा चुकी हैं, कुछ डैमेज देने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी ज़रूर से, लेकिन अभी तक कोई भी डैमेज रजिस्टर नहीं किया जाता उनकी तरफ से, और कोशिश रहेगी सब टीम्स की तरफ से कि नॉक्स निकाले जाएँ, कन्फर्मेशन यहाँ से की जाए। और अब क्या कंफर्मेशन करने में टीम कामयाब होगी, वो एक बड़ा सवाल जरूर से रहने वाला है। बैक साइड पे टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स वो भी आ जाते हैं, कोशिश करेंगे स्पॉट किया जाए प्लेयर्स को। टीम 69 उनके ऊपर अपने क्रॉस ईयर सेट करके जरूर से बैठे हैं, लेकिन मैं देखना चाहूँगा अभी के लिए टीम 7X के प्लेयर्स वो किस तरह से खेल के जाते हैं। नॉक किया जाता है मिथी को बैक साइड से, बैक साइड पड़ता हुआ नॉक अभी के लिए हो जाते हैं, लेकिन टीम 7X जो कि काफ़ी कमिटेड दिखाई दे रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मल्टीपल टीम्स के हाथों उनकी जो एक इख्तिताम है उनका वो लिख ज़रूर से दिया जाता है अभी के लिए। लेकिन देखना ये है कि टीम 7X फिर भी किस तरह से उड़ती हुई हम लोगों को लड़ती हुई नज़र आएगी, वो एक बेहतरीन चीज़ अभी के लिए रहने वाली है। टीम 69 सिर्फ और सिर्फ तीन एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास मौजूद रहने वाले हैं। बैक साइड पर टीम VG की बात करें, टीम RD के प्लेयर्स की बात करें, वो भी यहाँ पर मौजूद अभी के लिए रहने ज़रूर से वाले हैं। वो ट्रैक्स और भुट्टा टीम RGS के टीम रेजिंग बुल्स के अपने आखिरी सर्वाइवल बचते हुए आप लोगों को नज़र ज़रूर से आएंगे, लेकिन वहीं पर भुट्टा की बात करें तो एक अलग एंगल पर मौजूद अभी के लिए रहने जरूर से वाले हैं। लेकिन देखना ही कि भुट्टा क्या इस एंगल से कुछ नॉक निकाल पाएंगे या नहीं, वो कभी के लिए रहेगा बड़ा सवाल। लेकिन उनके बिल्कुल ऊपर इंपैक्ट के स्ट्राइकर वो मौजूद रहेंगे, इनफैक्ट इंपैक्ट के फराज जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन उनको जल्दी देखना पड़ेगा यहाँ पे प्लेयर्स को कि प्लेयर्स कहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। टीम 13 के स्मैक्सी वो भी एक अलग एंगल पर मौजूद अभी के लिए रहने ज़रूर से वाले हैं। तो लेट सी यहाँ पर एंगल्स किस तरह से निकालते हुए टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन RD के प्लेयर्स वो फ्रंट लाइन को लीड करते हुए पार्ट देने की कोशिश, आमिर डाउन हो जाते हैं, विंकी मौजूद रहेंगे एस्ट्रल के का निशाना देते हुए, अगले प्लेयर को नॉक एंड एलिमिनेट वो भी कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ टीम RD इज गेट्स टेकन डाउन इज आउट ऑफ द मैच। और इसी के साथ साथ टीम JG की बात की जाए, उनके पास भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें अभी के लिए आप लोगों को, किल्स जो हैं वो चार एलिमिनेशन पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम 69 के टीम की बात की जाए तो टीम 69 स्टिल
मौजूद रहने वाली है। और टीम एट के प्लेयर्स, टीम मीटर शॉट वो भी आ जाती है, जो कि थर्ड पार्टी करते हुए एक एक करके टीम 69 को गिराएगी। एक तरफ टीम 7x के प्लेयर्स, दूसरी तरफ टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स, काफ़ी मुश्किल रहेगा टीम 69 को डाइजेस्ट करना। लेकिन जैसे भी के बढ़ेंगे आगे, ओपन में स्पॉट किया जाता है और वहीं पर नॉक एंड एलिमिनेशन का लिखा जा सकता था, लेकिन अभी के लिए सेफ एंड साउंड रहेंगे। लेकिन एक एंगल, एक ओपनिंग बनाने की कोशिश रॉय की तरफ से की जा रही है, लेकिन वहीं पर कम बैक एक अलग एंगल से अप्रोच करना चाहेंगे। लेकिन देखना यह कि क्या बीके को नॉक करने में कामयाब हो पाते हैं। अभी के लिए इसका जवाब रहेगा ना, से बीके को नहीं बल्कि नॉट यू। वो भी आगे बढ़ेंगे और वहीं पर उनका एलिमिनेशन वो भी कंफर्म कर दिया जाता है। लेकिन टीम 7 बैंडेड का एक प्लेयर, वो भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाता है। लेकिन टीम मीटर शॉट एक स्टार था जिसका इंतज़ार, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज लाइन पर आने की कोशिश उनकी तरफ से अभी के लिए की ज़रूर से जा रही है। लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि वो आखिरी खिलाड़ी वो किस तरह से खेल कर जाता है। हुज़ैफ़ा नाम रहेगा उस खिलाड़ी का और वेट किया जा रहा है अभी के लिए। काम एंड कम्पोज गेम स्टाइल खेलना पड़ेगा उनको। लेकिन दूसरी तरफ टीम वीजी के प्लेयर्स की बात करें तो रेजिंग बुल के वोल्टक के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने मौजूद रहेंगे। लेकिन वोल्टक्स आगे बढ़ेंगे, मास को डाउन किया जाता है, वहीं पर एक इंस्टेंट नॉक निकल कर आता हुआ दूसरे प्लेयर की तरफ से एलिमिनेशन कन्फर्म कर भी दी जाती है। और इसी के साथ साथ टोटल 13 टीम्स वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन टीम मीटर शॉट का अब नॉक प्लेयर वो अब रिवाइव हो जाता है, लेकिन हुज़ैफ़ा उनकी लोकेशन अनकम्प्रोमाइज रहने वाली थी और कम बैक जैसे ही आगे जाते हैं नॉक किया जाता है एक प्लेयर को, रॉय उनको भी थॉमसन के साथ डैमेज देने में कामयाब हो जाता है ये प्लेयर। और रे की जगह पर एक ही टीम के दो अलग अलग खिलाड़ी उनको नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन किसको मारोगे आप, थॉर आते हैं आगे और वहीं पर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ टीम 69 इज़ आउट ऑफ द मैच और अभी के लिए टोटल 12 टीम्स सर्वाइव करती हुई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी ज़रूर से। और टीम मीटर शॉट वो खानी को भी एलिमिनेट करना चाहेंगे, 3 एलिमिनेशन पॉइंट थॉर के पास आ जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ये अपनी टीम से निखर कर ये प्लेयर आगे बढ़ना चाहेगा, खानी की किल उनको कंफर्म करना चाहेगा। टीम एक्वाजॉर्ड, टीम मीटर शॉट के एक्वाजॉर्ड उनको स्पॉट ऑन कर लिया जाता है। लेकिन अभी तक इस प्लेयर अकेलोते प्लेयर की लोकेशन अनकम्प्रोमाइज ही रहेगी, नहीं स्पॉट किया जाएगा इस प्लेयर को। लेकिन देखना ये है कि कितनी देर तक ये प्लेयर हम लोगों को अंडर द रडार ये खेलता हुआ नज़र आने वाला है, कितनी देर तक अगले प्लेयर्स उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं देगा। लेकिन फाइनली ये ओपन में जाता है, थॉर को स्पॉट किया जाता है, नॉक करेंगे। लेकिन फाइनली कंफर्म करना था आपको, हमजा जी उनको स्पॉट किया जाता है, एक हल्के से एंगल से उनको नॉक करने में कामयाब भी हो जाता है। दो प्लेयर्स को डाउन करने के बाद अब एक और प्लेयर भी यहां पे मौजूद है, एक्वाजॉर्ड, आपको उनको डाउन करना पड़ेगा। वो वेट कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश, रिवाइवल को जो है डिनाई करने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी। डीबीएस को कनेक्ट करवाने की कोशिश की तो जा रही थी, लेकिन उधर से एक्वाजॉर्ड वो भी डीबीएस चलाते हैं और उसके साथ साथ एलिमिनेट कर दिया जाता है। और 7x लास्ट टाइम की चिकन डिनर टेकर टीम आउट ऑफ द मैच हो चुकी है अभी के लिए। और वहीं पर बात करें हम लोग तो टीम 22 के प्लेयर्स आप लोगों को सामने देखने को मिल जाएंगे और वेट किया जा रहा है उनकी तरफ से के एक अलग एंगल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं पर हम लोग जोन की बात करें तो जोन थोड़ी ही देर में क्लोज़ हो जाएगा। डिस्पर्जन जो कि थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा रहने ज़रूर से वाला था, लेकिन अब फाइनली वो डिस्पर्जन आप लोगों को जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। जो स्प्लिट्स थे टीम्स के वो ख़त्म होते हुए आप लोगों को देखने को ज़रूर से मिल जाएंगे। फायर चलती हुई नज़र आएंगी पैराडाइज रिजॉर्ट के अंदर, जहाँ पर टीम वीजी के फैजी अपनी टीम से 5 एलिमिनेशन लेके चले जाते हैं। रैंपेज मोड पर यह इकलौता प्लेयर अपनी टीम के लिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है अभी। लेकिन स्टिल सामने कुछ प्लेयर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि टीम आई गेस जेजी के प्लेयर्स रहने वाले थे, नहीं बल्कि टीम इंपैक्ट के यूज प्लेयर्स हैं, ये आप लोगों को देखने को ज़रूर से मिलेंगे। और देखना ये कि जो आखिरी सर्वाइवल है वो कितनी देर तक इस अकलौते प्लेयर को जो है स्पॉट करने में कामयाब होने के लिए अभी के लिए बैठे ज़रूर से यहाँ पर। लेकिन बैक साइड पे टीम आरएसटी के प्लेयर्स आ जाते हैं, टीम आरएसटी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बूट कैंप में बनाना जरूर से चाहेगी। लेकिन टीम मीटर शॉट के प्लेयर्स क्या वो इनको इजाज़त देंगे, वो एक रहने वाला बड़ा सवाल है। चारों प्लेयर्स तैनात रहेंगे, अलग अलग एंगल्स होल्ड करके अभी के लिए बैठे ज़रूर से हैं। लेकिन टीम आरएसटी कितनी देर पर आप जो है वो यहाँ पे स्काउटिंग करोगे, स्काउटिंग का एक बेहतरीन रोल ये टीम अदा करती हुई हम लोगों को देखने को मिल जाती है। फाइट्स जो कि रुक चुकी थी, स्लो पेस हो चुका है ये मैदान, लेकिन कुछ ही देर में
ये स्लो पेस मैदान फिर से बाजी लेके जाता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स फास्ट पेस, लेकिन वहीं पर थॉर को डाउन कर दिया जाता है कैप्टन की नंबर वन की वजह तरफ से। लेकिन वहीं पर एक्वाजार्ड जो कि ओपन में रहने वाले थे उनको डाउन किया जा सकता था, लेकिन अभी उनके हाथ में एक नेट रहेगा, लेकिन वहीं पर लोकेशन चेंज कर ली जाती है और काफ़ी बेहतरीन एक एक्सपीरियंस प्लेयर ये हम लोगों को अभी के लिए देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर कैप्टन नंबर वन उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि कैसे एरिया पर नेट फेंका जाए जहाँ पर प्लेयर मौजूद हो सकते हैं, और वो चीज़ उनका प्रिसाइज नेट जाता भी है और क्लिक करता हुआ टीम मीटर शॉट अपने दो प्लेयर्स को पे जरूर से नॉक करवा जाता है। लेकिन स्कारलेट जहां पे मौजूद है उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होते हुए कैप्टन की तरफ से एक नेट जाएगा। ये चीज आपने नहीं करनी, आपको पता है कि प्लेयर्स आगे से आ सकते हैं आपको नॉक डाउन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाथ इनके अंदर फाइट रहेगी टीम अमीन्स और उनके बिल्कुल सामने टीम 22 के प्लेयर्स मौजूद रहने वाले थे TI18 के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम अमीन्स स्पोर्ट्स इट्स गेट टेकन डाउन। लेकिन मीटर शॉट उनको भी काफी ज्यादा जो एक डैमेज है वो पड़ता हुआ टीम CN की तरफ से टीम RST की तरफ से देखते देखते टीम मीटर शॉट के हमजा बस अब अपनी टीम के लिए आखिरी सर्वाइवल पर जाते हैं और उनकी तरफ से वेट किया जाएगा कि नॉक्स वो निकाले जरूर से जाएं, लेकिन देखना ये कि नॉक कितनी देर तक निकलेगा क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस वो काफी ज्यादा अभी के लिए बन चुकी है। और हब हर टीम कोशिश करेगी कि जोन के अंदर अपनी जगह जो है वो बना के लेकर आई जा सके, लेकिन टीम नेगेटिव के सूस टीम नेगेटिव ई स्पोर्ट्स की हम लोग बात करें तो खवातीन हजरात सिर्फ और सिर्फ दो ही खिलाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से रश किया जा रहा है आर या पार यही सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन वहीं पर टीम RST के प्लेयर्स वो भी नज़दीक आते हुए आप लोगों को दिखाई ज़रूर से दिए जा सकता है, लेकिन जैसे ही अंदर आएंगे वहाँ पर टीम मीटर शॉट डिफरेंट एंगल्स होल्ड करते हुए बैठेगी ज़रूर से और वहीं पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया जाता है। लेकिन वहीं पर टीम RST अब थोड़ा सा संभल कर बैठती हुई हम लोगों को नजर आएगी। कैप्टन नंबर वन की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन वहीं पर नेट थोड़ा सा ओवरकुक्ड हो जाता है और उसी के जो है वो बलबूते पर आप लोगों को जो एलिमिनेशन कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन खवातीन हजरात नेगेटिव के जूस जहां पर मौजूद रहेंगे वहां पर उनके बिल्कुल नजदीक एक प्लेयर खिलाड़ी मौजूद रहेगा, लेकिन अंदाजा नहीं रहने वाला था उनको, उसी अंदाजे का जो ना पता होना वो अगले प्लेयर के एलिमिनेशन का सबब बन जाता है। लेकिन जैसे ही फाइट होती है टीम CN के प्लेयर्स वो आगे बढ़ना चाहेंगे, नॉकडाउन निकालने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी, नेगेटिव के जीरो की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और कैप्टन नंबर वन वो आगे बढ़ना चाहेंगे, नॉक करने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव के जीरो प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं, गोकी के ऊपर डीपीएस कन्वर्ट करना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर कुछ वो शॉट्स मिस कराई जाती है, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरा प्लेयर नॉक करने के बाद एलिमिनेट कर दिया जाता है एक प्लेयर को। और टीम RST के कैप्टन नंबर वन क्या ही शानदार एक तीन एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में ये कामयाबी हो जाता है। लेकिन बैक साइड पे टीम 7 बैंडेट ई स्पोर्ट्स आप लोगों के सामने चारों के चारों प्लेयर्स अलाइव, तीन किल्स इनके बैक पैक में, शानदार तरीके से खेल कर तो गई है मगर किल्स काफ़ी थोड़े रहने वाले हैं और कोशिश ये कर सकते हैं कि अभी के लिए प्लेयर्स को स्पॉट किया जा सके, क्योंकि जोन के अंदर रहने वाले हैं और बाकी सब टीम्स उनको जोन के अंदर आना पड़ेगा, और ऐसे में जब टीम जोन के अंदर आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो क्लेश जो फाइट्स है वो आप लोगों को होती हुई नज़र आती हैं, रोटेशनल क्लैशेस वो आप लोगों को देखने को जरूर से मिल जाते हैं, और इसी के साथ साथ टीम्स की कुछ फाइट वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। 4v के प्लेयर्स अभी के लिए आप लोगों को कुछ फाइट नज़र आएंगे बूट कैंप के अंदर, और कोशिश की जा रही है 4v के प्लेयर्स के कुछ नॉक निकाला जाए उनकी तरफ से, लेकिन अभी तक नहीं कोई भी इम्पैक्ट उनकी तरफ से बनाया जाता, लेकिन लेट्स सी ये इम्पैक्ट कितनी देर तक रहने वाला है। बैक साइड पर 7 बैंडेड के प्लेयर्स वो फॉल बैक करने में कामयाब भी हो जाते हैं, और कोशिश की जाएगी कि वापस से एक अलग एंगल जो है एक अच्छा एंगल उनकी तरफ से होल्ड किया जा सके। अंदर हम लोग बात हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पर 4v QK ये मौजूद रहेंगे, स्पॉटिंग इनकी तरफ से की अभी के लिए ज़रूर से जाती है, लेकिन कोई भी अपनी प्रेजेंस का एहसास वो नहीं दिया जाएगा। कैप्टन पूरी तरह से ओपन में रहने वाले, और कैप्टन अगर थोड़ा सा फॉल पे जाते हैं बैक पे जाते हैं तो वहाँ पर 7 जो QQ हैं 4v के QQ हैं काफ़ी चैलेंजिंग नाम एक रहने वाला है, टंग ट्विस्टर नाम इन्होंने जो है वो यहाँ पर रखा है, QK जो रहने वाले हैं अगर स्पॉट कर लें तो डेफिनेटली एक नॉक निकल कर आ सकता है, एक जो बैक स्टैब है वो निकल कर ज़रूर से आ सकता है। लेकिन वहीं पर जिसकी हम लोग बात करते हैं QK वो निकलेंगे और कैप्टन बोलेंगे QK मैं बाहर गया था तभी मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ, और RST अपने दो खिलाड़ियों के पास आ जाती है और उनके टेंशन जो कि 4 बैंडेड के ऊपर रहने वाली थी अब 313 के ऊपर आ जाती है सारी की सारी, और रईस देखना भी वहीं पर पसंद करेंगे कि क्या अगले प्लेयर्स की ये टेंशन रहने वाली हैं इंटेंशंस रहने वाली हैं। लेकिन आस पड़ोस में टीम VG के प्लेयर्स वो भी आ जाते हैं अभी के लिए, रईस
मोलोटॉफ फेंकते हुए, लेकिन कोई भी कनेक्शन निकल कर नहीं आता। लेकिन 313 उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, नेड नहीं रहेंगे अभी के लिए रईस के पास। अगर होते तो नॉक निकाला जा सकता था, मगर बैक साइड पे टीम जेजी को कह सकते हैं, अभी टीम वीजी के बात कह सकते हैं। जेजी तो डेफिनेटली एक ही खिलाड़ी रहने वाले हैं, लेकिन वीजी के दो प्लेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इस आई गेस इस टीम को वीजी का नाम ही हम लोग दे सकते हैं। लेकिन ख़वातीनों हज़रात, क्योंकि आखिरी सर्वाइवल बचते हुए, लेकिन आरएसटी वो उनको इजाज़त नहीं देगी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, डाउन करना चाहेंगे। मल्टीपल एंगल से अप्रोच किया जाता है, लेकिन सामने प्लेयर डीबीएस चलाता हुआ, कुछ बुलेट ज़ाया की जाती हैं, रिलोड करना चाहेंगे, लेकिन रही सब अपने आप को सोच समझ के आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक डीबीएस का फटका आपकी टीम उनको पूरी तरह से बैकफुट पर लेके जाता हुआ धकेल सकता है, लेकिन बैक साइड पे टीम M416 से उनको थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई देगी। एक लॉन्ग रेंज के साथ जो डैमेज है वो पहुंचा दिया जाता है, और अब 313 अपनी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा आखिरी सर्वाइवल बचेंगे काफ़ी ज़्यादा लो एचपी पे। लेकिन गोकू एक मोलोटॉफ फेंकते हुए वो कमाल कर देते हैं जो उनकी गन नहीं कर सकती, और इसी के साथ साथ वो 313 क्योंकि 4v के एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन 7 बैंडिट जैसे ही उनको अंदाज़ा होता है कि फाइट चल रही है मिड बूट कैंप के अंदर, क्यों ना उसके हाथ साफ़ कर लें, उनकी आवाज़ टीम कहती है। और इसी के साथ साथ अब टीम 7 बैंडिट ई स्पोर्ट्स वो भी आती हुई बूट कैंप के अंदर। ज़ोरो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए अकेले आए हैं, लेकिन वहाँ पर बाकी सारी टीम वो हाइट के ऊपर मौजूद रहने वाली, और ऐसे अकेले आना ख़तरे की घंटी ज़रूर से बचा सकता है, क्योंकि आपकी टीम के प्लेयर्स अगर ये नॉक हो जाते हैं तो रिवाइव देना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन ऐसे में अगर आप अनकॉम्प्रोमाइज रखेंगे अपनी लोकेशन और प्लेयर ओपन में अगर आप स्पॉट कर लेते हैं, तो इजीली नॉक एंड एलिमिनेट भी किया जा सकता है, और टीम अगले को आप ज़रूर तोड़ सकते हो। तो अगर इस स्ट्रेटजी के साथ ज़ोरो बॉय अगर आ गए हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक शानदार चीज़ इनके लिए निकल कर आ सकती है। लेकिन अभी के लिए दोनों ही टीम्स एक दूसरे को देखना चाहेंगे। ज़ोरो बॉय जैसे ही उनको मौका मिलता है वो ऊपर चले जाते हैं, अपने आप को थर्ड एक तीसरे मंजिला के ऊपर जो है वो लेके ज़रूर से जाया जाता है, और वहाँ से हाइट के ऊपर कोशिश की जाएगी कि नॉक निकाले जा सके। लेकिन 7 बैंडिट उनको आसपास सिक्योर करने पड़ेंगे अपनी लोकेशंस, क्योंकि उनके बिल्कुल पीछे TI18 के प्लेयर्स वो आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। विचर अपनी टीम को लीड करते हुए फाइट के अंदर इंडल्ज होना चाहेंगे, लेकिन वहीं पर हाइस्ट जो है वो हम लोगों को स्पॉट करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हाइस्ट उनको अपने आँखें एक शानदार तरीके से जो है वो देखनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ वीजी के प्लेयर्स की बात करें तो फैजी की तरफ से जो नॉक है वो निकाला जाता है, और फैजी एक प्लेयर कंफर्म नॉक करने के बाद आगे बढ़ना चाहेंगे। फैजी अभी के लिए टोटल 6 एलिमिनेशन पॉइंट सिक्योर करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अपना एक खिलाड़ी लूज़ ज़रूर से कराया है, लेकिन लेट्स सी मज़ीद कितनी देर तक ये प्लेयर हम लोगों को किल निकालता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर एक किल आपकी टीम को काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदा ज़रूर से पहुँचा सकता है। और इसी के साथ साथ टीम SUS के प्लेयर्स वो जोन के अंदर आ तो चुके हैं, लेकिन वहीं पर टीम VG के प्लेयर्स वो व्हीकल के साथ रोटेट करते हुए अपने फ्लाइंग एंगल बनाना चाहेंगे। मोटू को स्पॉट ज़रूर से कर लिया जाता है अभी के लिए, लेकिन क्या ये स्पॉट उनको जो है वो कुछ किल्स में इजाफा करता हुआ नजर आएगा, वो एक बड़ा सवाल ज़रूर से रहने वाला है। टीम VG के एक प्लेयर जो हम लोग फ्लिकर देख रहे थे वो व्हीकल के इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। एक फ्लाइंग एंगल बनाने के बाद नॉक करने की कोशिश, 7 बैंडेड के प्लेयर्स बैक साइड पर आएंगे, लेकिन एक नेट जाता हुआ ब्ला 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 डाउन कर जाता टॉप जी को, और वहीं पर अब आगे जाता हुआ टीम VG के प्लेयर्स अपनी व्हीकल घुमाते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। फ्लिकर ओपन में रहने वाले थे, लेकिन वहीं पर फ्लिकर की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होते हुए काफी ज्यादा डैमेज अजमीर की तरफ से दिया जाता है। एक नेट चार्ज इन होता हुआ कुक कर लिया जाता है, फ्लिकर की तरफ एक अच्छा प्रोजेक्टाइल जाने की कोशिश, लेकिन वहीं पर GZ के प्लेयर्स के टॉप जी को नॉकडाउन करने में कामयाब होते हैं, और अजमीर का वो नेट फ्लिकर को डाउन करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैजी आगे बढ़ेंगे अपनी टीम से आगे लीड करने की कोशिश, फाइट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे किल्स को, लेकिन वहीं पर DBS दोनों ही तरफ से चलाई जाती है, लेकिन वहां पर अजमीर की DBS कनेक्ट कर ली जाती है और निकल कर आता हुआ नॉक, लेकिन एक नेट जाता हुआ अजमीर की एक कहानी ख़त्म कर सकता था, लेकिन जैसे ही इनको अंदाज़ा हुआ कि नेड आ रहा है उनकी तरफ से लोकेशन चेंज कर ली जाती है, फिर से फॉलोइंग अपने ग्रेनेड फेंका जाता है। लेकिन इस दफ़ा अजमीर की तरफ से कोई भी एक जो एक नॉक है वो निकल कर नहीं आता, लेकिन फाइनली RV को जहाँ पर अजमीर कंफर्म करते हुए फैजी को देखने को मिल जाता है, लेकिन वहीं पर माज आगे बढ़ेंगे आगे नॉक करने की कोशिश, जोन का डैमेज भी खाया जाएगा, प्रेशर भी एक होगा, लेकिन वहीं पर अजमीर ये फाइट को विन कर जाते हैं, और इसी के साथ साथ अजमीर
टोटल 3 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ अपने आप को जोन के अंदर लेके जाने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी, लेकिन देखना ये कि क्या जोन के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे वो एक बड़ा सवाल रहने ज़रूर से वाला। लेकिन 7 बैंडेड के ऊपर कुछ कैजुअल्टीज़ वो निकाल दी जाती हैं, पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि अंदर आया जाए बूट कैंप के, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ खवतिन उजरात पिक्चर हमारे सामने है, जहाँ पर उनके बिल्कुल सामने फ्रैगर मौजूद रहेंगे अभी के लिए, और फ्रैगर की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे विचर की तरफ से कुछ डैमेज देने की कोशिश की जाती है, नॉक निकालने की कोशिश, लेकिन अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली रहेंगे कि नॉक निकल कर नहीं आता। लेकिन लुक एट दिस, क्या ही लो एचपी के ऊपर एक प्लेयर को नॉकडाउन तो करेंगे, लेकिन वहीं पर खुद भी जोन से एलिमिनेट होने की अब जो है वो का विषय उनकी तरफ से देखने को जरूर से मिलेंगे। लेकिन वहीं पर टीम TI8 दो खिलाड़ी रह चुके हैं, धानी और पेन मौजूद रहेंगे। विचर की कंफर्मेशन जो फ्रैगर है उनको कंफर्म करने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी ज़रूर से। बैक साइड पे अजमायर की बात करें, अजमायर हमारे सामने मौजूद रहेंगे। कोशिश की जाती है कि उनकी तरफ से एक जो प्लेयर है उनको गेट कीप ज़रूर से किया जा सके, लेकिन लेट्स सी क्या गेट कीप करने में रहेंगे कामयाब, वो एक बड़ा सवाल रहने के लिए अभी के लिए रहने ज़रूर से रहने वाला है। लेकिन 4 टीम्स सर्वाइव करेंगी इस सारे ही मैच में, जहाँ पर नाम रहे शुमार होता है टीम RST का, 7 बैंडिट, टीम सस्पेक्ट ईस्पोर्ट्स और टीम VG का। आप लोगों TI18 का जो नाम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। RST एक ही बिल्डिंग में मौजूद रहेंगे, जहाँ पर बिल्कुल ऊपर उनके 7 बैंडेड के जोरो बॉय मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सस के बात करें तो सस हम लोगों को एक ऐसे एंगल पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए, जहाँ पर इजीली नॉकडाउन निकाल सकते हैं। और दानी जैसे ही जोन के बाहर से डैमेज देने की कोशिश करते हैं, काफ़ी डैमेज स्पॉट किया जाता है अजमायर की तरफ से, और वहाँ पर नॉक निकल कर आ जाता है। और जैसे ही गिलफीट पड़ी जाएगी कि प्लेयर जोन से डैमेज हो गया, वहाँ पर देखना चाहेंगे ज़रूर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल्स कन्वर्ट नहीं की जा सकती, स्टील नहीं हो सकती, अपना नंबर जो है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन इसी के साथ साथ खवातीन हज़रात अब बारी आ चुकी है 2 vs 1 vs 1 की फ़ाइट, 2 vs 1 vs 1 vs 1 की जो फ़ाइट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अजमायर उनको जोन के अंदर अभी तो नहीं जाना, लेकिन देखना ये कि क्या अगला सर्कल रहेगा जोन से दूर, वो एक था रहने वाला एक बड़ा सवाल। लेकिन जोन के बाहर टीम TI18 के जो पेन है वो ज़रूर से मौजूद रहने वाले हैं, और अभी के लिए हील बैटल पुल ऑफ करते हुए हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन लेट्स सी कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, लेकिन उसका जवाब अभी के लिए क्या रहेगा कि उसी टाइम पर जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ एक और टीम के प्लेयर हम लोगों को एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन खवातीन हज़रात सामने से प्लेयर आगे बढ़ेंगे, 7 बैंडेड को एलिमिनेट करना चाहेंगे। RST के दोनों प्लेयर्स डिफरेंट एंगल्स उनके पास होल्ड रहने वाले हैं, और देखते ही देखते 7 बैंडेड उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ टीम सस्पेक्ट वो हम लोगों को नजर आते हुए जहां पर आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनको नॉक कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ निकल कर आता हुआ एक चिकन डिनर टीम RST, जो कि आए 3 प्लेयर्स के साथ थे, और निकाल दिया जाता है चिकन डिनर। टोटल एलिमिनेशन की बात की जाए तो 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात ये थे आज के मैचेस, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर आप लोगों को क्यूरियस हो गए कि रिजल्ट्स कहाँ पर रहने वाले हैं तीनों ही मैचेस के, तो आप लोगों को GCW और PB के इंस्टाग्राम हैंडल्स पर देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करें आप लोग कि जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लगे हाथ आप लोग मेरा इंस्टाग्राम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्रैकेट में, तब तक मुझे दीजिए देर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।